क्या तुम्हें एक बात पता है, 18 नवंबर 2011 इस दिन एक गेम लॉन्च हुआ था, माइनक्राफ्ट। और जब ये लॉन्च हुआ तब अजीब से दिखने वाले कैरेक्टर की वजह से ये गेम उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ही सालों बाद यहाँ पे एक चमत्कार होता है। और अब ये गेम बिल्कुल आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। बात तो सही है। अब तो मैं भी माइनक्राफ्ट खेलूंगा। अब ये सोच के मैं सीधा प्ले स्टोर पे आता हूँ और सर्च करता हूँ माइनक्राफ्ट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला ये गेम तो अपनी औकात से भी बाहर है। लेकिन फिर मेरा दिमाग चलता है और मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तभी मुझे माइनक्राफ्ट के भर भर का कॉपी वाला गेम दिखाई देता है। और मैं एक एक करके 5 ऐसे गेम डाउनलोड करता हूँ जो कि 100 MB से भी अंदर का है। अब क्या लगता है तुमको, ये माइनक्राफ्ट को टक्कर दे सकता है? तो चलो यार, बिना देरी के गेम को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे गेम निकल के जो आता है उसका नाम है मिनी ब्लॉक क्राफ्ट 3D। और ये क्या, स्टार्ट करते ही पैसा, मजा आया। खैर अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं सर्वाइवल मोड को चूज करने वाला हूँ और यहाँ पे प्ले करते हैं। और अब फिलहाल लोडिंग हो रहा है। और ये क्या है, स्पाइडर मैन? तू मिनी ब्लॉक क्राफ्ट में क्या कर रहा है बे? मैं इधर मुतने के लिए आया था तुमसे, मतलब। खैर यहाँ पे स्किन चेंज करने का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे वाल्टर है यार, जो भी है उसको मैंने चूज कर लिया और यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोडिंग हुआ और ये आ गया माइनक्राफ्ट का, सॉरी यार मिनी वर्ल्ड ब्लॉक क्राफ्ट क्या था यार पता नहीं, लेकिन ये गेम तो काफी ज्यादा मस्त और एकदम सिमिलर लग रहा है माइनक्राफ्ट से यार। तो मैं फटाफट यहाँ पे लकड़ियां तोड़ रहा था कि सामने मुझे गधा दिखा और ये गधा मेरे साथ कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है यार। ये देखो तभी मेरी फटके 4 होती है और मैं इसको एक लाफा देता हूँ और ये भागता है। भाई कहाँ जा रहा है? रुक जाओ गधे, साला गधा पानी में घुस गया यार। मैंने तो कहावत सुनी थी, गई भैंस पानी में, यहाँ तो पानी में गधा घुस रहा है बे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। खैर मैं इसको पानी से बाहर बुलाने की बहुत ज्यादा कोशिश किया। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, घास फूस डाल देता हूँ। अब तो आ जाओ बे, क्या कर रहे हो पानी में? चला जा भोसड़ी के। लेकिन गधा तो आया नहीं, साला कुत्ते को भेज दिया। लेकिन ये साला क्या कर रहा है, हट बे, हट क्यों, अबे हट बे, मेरे सर पे ऊपर क्या कर रहे हो, मंडरा रहे हो के? अबे कहीं मैं तुझसे पीट गया तो मेरी बदनामी हो जाएगी बे, हट बे, क्या कर रहे हो? अब इस कुत्ते से पीछा छुड़ाने के बाद मैं दूसरी गेम की तरफ बढ़ता हूँ। इस गेम का नाम है मल्टी क्राफ्ट और फिलहाल ये लोडिंग ले रहा है और देखते हैं अब कितना टाइम के। A few moments later. अच्छा इसका मतलब लोडिंग लेने के लिए दूसरा पेज खुला है, तो यहाँ पे फिर से ये लोडिंग ले रहा है। 2000 years later. और अब ये तीसरा पेज खुला है लोडिंग लेने के लिए। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। खैर यार अच्छी खासी मूड की ऐसी की तैसी करने के बाद मैं तीसरे गेम की तरफ बढ़ता हूँ जिसका नाम है मिनी क्राफ्ट और ये फिलहाल ये भी यार लोडिंग ले रहा है। अब देखते हैं ये भी कितना, अबे ये क्या है भाई साहब, अच्छा खुल तो गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं फिलहाल, तो मुझे कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा ना। ये कौन सी जगह पे आ गए है बे, ये कुछ ऐसी की तैसी, क्या करूँ मैं इसकी? अच्छा ये जगह तो बिल्कुल ठीक है, क्या कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ पे घर बना सकते हैं फिलहाल। तो मैं यहाँ पे कुछ घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे मुझे कुछ स्टोन वाला पत्थर मिला, स्टोन वाला पत्थर ये क्या होता है, अच्छा जो भी है यार। तो मैंने यार बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक छोटा मोटा सा अपना घर बनाया जिसको कि मैं तुमको अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो मेरा अपना छोटा सा वर्ल्ड, कुछ समझ रहे हो, यानी इस पूरे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में एक छोटा मोटा सा अपना घर है जिसको कि मैं अपना प्यारा सा छोटा सा वर्ल्ड कह सकता हूँ। और मैं तुमको अभी घर के अंदर भी जाके दिखा देता हूँ, ये रहा खिड़की और ये रहा दरवाजा जिसमें दरवाजा नहीं था यार, और इसीलिए मैंने इसको खुला ही छोड़ दिया। ये भगवान क्या जुलूम है। और अब बारी आती है चौथे गेम की जिसका नाम है ब्लॉक क्राफ्ट और ये फिलहाल मुझे कुछ ट्यूटोरियल सा दिखा रहा है। यहाँ पे क्या खतरनाक सा एकदम घर बना, एकदम मस्त वर्ल्ड है यार, ऐसा ही मैं भी बनाऊंगा अभी तुरंत, जस्ट अभी मैं तुमको बना के दिखाता हूँ।
तो मैं सीधा आ चुका यहाँ पे और मुझे एक छोटा सा काम मिला है जिसको कि मैं अभी पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ यहाँ पे। तुम देख, तो मैंने छोटा मोटा घर बनाना है मुझे यहाँ पे, तो इसमें यार जो भी ईंट पत्थर लगेगा मैं फटाफट इसमें लगाता हूँ और बाद में देखते हैं अपना छोटा सा घर बन के जो तैयार होता है ना वो कैसा लगता है देखने में। ओहो, ये घर बनाने वाली साउंड एकदम दिल को छूता है यार। और एक तरफ से मेरा दीवार तैयार हो रहा है और दूसरा तरफ का मैं दीवार बना रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। तुम देख, तो मैं फटाफट यार इतनी स्पीड से काम कर रहा हूँ ना कि मत ही पूछो यार। एक्सपीरियंस भाई, इसी को बोलता है ना एक्सपीरियंस, यानी माइनक्राफ्ट का फुल्ली एक्सपीरियंस जो कि यार पूरा का पूरा इस घर में इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से मैंने इतनी स्पीड से काम करना शुरू किया यहाँ पे। तो मैं फटाफट जो भी आया फटाफट, तुम देख तो इतनी स्पीड से मैं काम कर रहा हूँ, क्या मस्त है यार एकदम। तुम बोल सकते हो यार फटाफट, यार तुम लोग कमेंट करो और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना यार। बहुत लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और यार फिलहाल यार तुम लोग फटाफट से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कर देना। और फिलहाल यार यहाँ पे एक किधर बचा है भाई साहब, किधर है यार यहाँ पे, हाँ इस जगह पे, और एक यहाँ भी बचा है यार। अबे यार कितनी जगह पे बचो। फिलहाल मेरा रेडी हो चुका घर और ये रहा अपना मोटा सा वर्ल्ड। और अब लास्ट में बारी आती है मिनी क्राफ्ट की, जिसको कि मैं अभी प्ले करने वाला हूँ। और ये तो माइनक्राफ्ट का फुल्ली कॉपी नज़र आ रहा है भाई। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और ये रहा सर्वाइवल मोड और यहाँ क्रिएटिव वर्ल्ड, और मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है और क्रिएट हो भी चुका है यार। और मैं वर्ल्ड किसी वर्ल्ड में स्पॉन हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई। अबे आगे कैसे जाना है, अबे आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है यार, क्या हो रहा है। अबे मैं आगे तो जा ही नहीं, जंप करने का ऑप्शन किधर है भाई। हाँ जंप तो हो गया मैं किसी तरह से, और मुझे अब आगे जाना है। यहाँ पे क्या कुछ गाय दिख रहा है, गाय, मुझे गाय के पास जाना है और मैं इससे पूछता हूँ। अबे ये कौन लेटा है बे, अच्छा लेटा नहीं, ये तो सीप है यार। अबे ये क्या कर रही है, अच्छा इसको मारना कैसे, मारते कैसे यार यहाँ पे, मैं मार के, अच्छा इधर से मारते हैं। अबे यार मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ यार, कैसे आगे जाना है। तो यहाँ पे दो दो गाय हैं, मैं इसको मारा था ना, और एक बार मारते। अबे यार क्या स्पीड से भागती है यार, अरे पकड़ो पकड़ो, यहाँ पे फंसी है। अभी इसको मैं समाप्त करने वाला हूँ, देखो मैं इसको मारने वाला हूँ। वाह, लेकिन यार मैं इसको मार कैसे रहा हूँ ये अभी तक मुझे पता नहीं चला यार। ऑटोमेटिक हाथ ऐसे होता है भाई, और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ यार, अजीब सा गेम दिख रहा है। अबे जंप कैसे करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है यार। और लगता नहीं है कि समझ भी आने वाला है। तो फटाफट यार तुम लोग कमेंट करो कौन सा गेम बढ़िया लगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ब्रो।